सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूंडई वेन्यू की चार सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स। जी हाँ, बिग फोर प्रॉब्लम्स इन ह्यूंडई वेन्यू। गाड़ी काफ़ी तगड़ी है, हालांकि मैं इस वीडियो में गाड़ी की सिर्फ बुराई करने नहीं आया हूँ। गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, सेगमेंट में काफ़ी बड़ा टक्कर दे रहा है जितने सारे गाड़ियाँ हैं, लेकिन गाड़ी में ऐसे चार काफ़ी बड़े प्रॉब्लम हैं जो कि इग्नोरेबल नहीं है, जिसके ऊपर ह्यूंडई को ध्यान देना चाहिए था। तो चलिए उस बड़े चार प्रॉब्लम के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, क्या है ये चार प्रॉब्लम गाड़ी में। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या ये प्रॉब्लम। बात करें ह्यूंडई वेन्यू की, गाड़ी लॉन्च से पहले जब इसको रिवील किया गया था तब ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर तब से है। गाड़ी के लुक्स भी काफ़ी बेहतरीन है, गाड़ी में भर भर के फीचर्स भी दे दिए गए हैं। हालांकि बात करें गाड़ी की काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के, तो भर भर के पॉजिटिव पॉइंट्स है। गाड़ी के लुक्स की बात करें, फ्रंट लुक इसकी गजब है, एक नया तरह का लुक है। इस सेगमेंट में ये सबसे बेहतरीन दिखने वाली गाड़ी है, ये मेरा राय है। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे कि नीचे थोड़ा दिया गया है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, उसके चारों तरफ स्क्वायर DRL जो दिया गया है, साइड प्रोफाइल में देखा डायमंड कट एलॉय व्हील्स गाड़ी के लुक्स को काफ़ी एनहांस करती है। इसके सिर्फ एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर की बात करें पूरा प्रीमियम लगता है, पूरा ब्लैक फिनिश के साथ आता है, जैसे कि फ्लोटिंग टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो दिया गया है। सही में ये गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज की, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बैठ गया है। इसके पेट्रोल की प्राइस रेंज शुरू होता है 6.5 लाख से और ये जाती है टॉप एंड वेरिएंट में 10.6 लाख तक। अगर बात करें इसकी पेट्रोल की ऑटोमेटिक की प्राइस रेंज, यानी कि ये डुअल क्लॉच में आ जाते हैं, ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन इस पे दिया गया है, जो कि इस सेगमेंट में आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो कि 9.35 लाख से शुरू होता है, ये जाता है 11.11 लाख तक। डीजल की प्राइस रेंज 7.75 लाख से शुरू होता है और ये जाता है 10.84 लाख तक। ये प्राइस रेंज काफ़ी कड़क टक्कर दे रहा है इस सेगमेंट के सभी गाड़ियों के साथ। ह्यूंडई एक मामले में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पाया गया है अपने माइलेज की ऊपर, लेकिन यहाँ पे ARAI सर्टिफाइड माइलेज आपको क्लेम किया जाता है पेट्रोल में 17 to 18 KMPL और डीजल में 23.7 KMPL, जो कि इस सेगमेंट में जितने सारे गाड़ियाँ हैं सभी को काफ़ी बड़ा टक्कर दे रहा है। अगर बात करें इस गाड़ी की और एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, जो है ये इंडिया की फर्स्ट कनेक्टेड कार है। कनेक्टेड कार का मतलब अपने मोबाइल लैपटॉप या अपने टैबलेट से आप गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये एक ब्लू लिंक ऐप के थ्रू आप अपनी गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बात करें इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, इतने सारे प्रीमियम फीचर्स, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ गाड़ी पूरा आपको दे दिया गया है एक बजट में, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात की जाए, इस गाड़ी के कंपेयर किया जाए अपने सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी विटारा फ्रेजा, महिंद्रा के XUV300, फोर्ड के इको स्पोर्ट के साथ, तो ये गाड़ी में चार बड़े नेगेटिव पॉइंट निकल के आती है जिसको हम इग्नोर कतई नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा इसकी इसकी रेयर सीट की स्पेस। यार रेयर सीट में यार काफ़ी कम स्पेस है आपको मिलता है, तीन तगड़े लोग अगर बैठ जाए आगे पीछे होकर बैठना पड़ता है, काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा अगर आप तीन मतलब ठीक ठाक के 6 फुट वाले लोग अगर बैठ जाए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोगों के लिए उतना जगह नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये गाड़ी में दिया गया है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। हालांकि ये सिटी ड्राइव के लिए ठीक ठाक है, लेकिन मुझे ये काफ़ी अंडर पावर लगता है ये गाड़ी के लिए। हालांकि और एक जो 1.4 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, ये भी थोड़ा अगर इसके बजाय 1.6 लीटर इंजन दे दिया जाता, हालांकि प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता, लेकिन ये गाड़ी को सूट नहीं कर रहे हैं। मतलब गाड़ी इतने तगड़ी गाड़ी लग रहे हैं, लेकिन उसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.4 लीटर डीजल इंजन, ये i20 वाला इंजन ये इसमें फिट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मुझे काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, लेकिन इसके जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है ये काफ़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन पावर दे देती है।
और एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है, यानी कि EAMT का ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल या 1.4 लीटर डीजल में नहीं मिलता है, जैसे कि आपको टाटा नेक्सॉन पे मिल जाता है। हालांकि अगर AMT का ऑप्शन मिल जाता तो यहाँ पे एक बजट फ्रेंडली ऑटोमेटिक गाड़ी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डुअल क्लच दिया गया है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा आगे निकल जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे AMT का ऑप्शन नहीं मिलता है। और गाड़ी में फोर्थ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, एक छोटे छोटे यूजफुल फीचर्स यहाँ पे काफ़ी सारे मिसिंग हैं। जैसे कि पहला यूजफुल फीचर, जैसे कि यहाँ पे ये एक 8 से 10 लाख वाला गाड़ी है, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता है। तो स्टेयरिंग व्हील को आप टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टिल्ट एडजस्ट आप कर सकते हैं। 8 से 10 लाख वाला गाड़ी और यहाँ पे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है। उसके साथ साथ आपको वेंटिलेटेड सीट इस गाड़ी में नहीं मिल रहा है। यार, ह्यूंडई अपने वेंटिलेटेड सीट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन गया है, चाहे आप वरना की बात करें क्रेटा में दे दिया गया, यहाँ पर मिसिंग है। हालाँकि इसको इग्नोर किया जा सकता है, ये सब यूज़फुल फीचर्स है, इससे अगर ह्यूंडई नहीं दिया है तो इसके ऊपर तो बात करना बनता ही है। तो ये था कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। आपको क्या लगता है, ये नेगेटिव पॉइंट जायज है या नहीं? आपको अगर गाड़ी खरीदना ही है तो गाड़ी में कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि मैं बताया हूं, लेकिन ये छोटे छोटे जो नेगेटिव पॉइंट्स का अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो गाड़ी आपके लिए बेहतरीन है, काफी जबरदस्त गाड़ी है ह्यूंडई वेन्यू। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, हाँ, ऑटोमोबाइल की सारे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, और जल्दी से ही फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया और है। ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।